राजगढ़ शहर में आए दिन हो रही चोरियों का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसे लेकर आज जनता का हमदर्द बनने के लिए पहुंचे बन्नाराम मीणा। राजगढ़ शहर के अंदर चल रहे धरना प्रदर्शन चोरी की वारदात को लेकर जनसेवक बन्नाराम मीणा पहुंचे। धरना स्थल पर राजगढ़ की जनता और व्यापारियों ने बन्नाराम मीणा को बताई अपनी समस्याएं, कहा कि प्रशासन और पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठा है। लोगों का कहना है जब तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा धरना समाप्त नहीं होगा। चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने कहा अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो और सभी आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। मैं राजगढ़ की जनता और व्यापारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं, राजगढ़ की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और इसे लेकर संघर्ष जारी रहेगा। आइए देखते हैं राजगढ़ से नागपाल शर्मा की ये खास रिपोर्ट। यही तो हो रहा है कि आप लोग या तो आप लोग बाकी बाजार बंद करके धरना तो रहा है, चलना है तो इधर चलो, मेरा का चौराहा है, मेरा का चौराहा है भाई साहब। हमारा तो विचार ये है कि सब लोग सब बाईपास चलो, सही है, और कोई लाभ नहीं। बहुत दिल जाएगी पब्लिक यार, बहुत दिल जाएगी। चलो बसंत भाई साहब होएगा ना, बोलिए पांच आदमी हो सकते, सबन की राय अलग अलग बेकार है। गुरु चिन्ह बात करें, एमएलए ना आया हरलाल जी को बंदी किए, ऐसा आदमी लगा रखते हैं, बंदी बंदी किए और जाकर देखो फिर बंदी किए। आपके व्यापार मंडल की कार्यकाल में हो गई है, चलो भाई दुकान बंद कर रहा हूँ, गाजरों की दुकान बंद कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपके समय समय निर्णय करेगी, आगे जाना करना है, हमारे कार्य होगा चलेंगे।